नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। चतरा जिले के इटखोरी से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक कलयुगी पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें कि सुरही बागी गांव के रहने वाले कुलदीप नागी ने अपनी पत्नी सबिता देवी पर केरोसिन तेल छिड़क कर उसे जिंदा जलाकर मार डाला है। पति ने अपनी माँ पर भी हमला किया है, जिसका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात की खबर पुलिस को मिली, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से केरोसिन तेल के गिलन भी बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार पति लगातार अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और गुरुवार की देर रात पति ने पत्नी को मारपीट कर केरोसिन तेल छिड़क दिया। आग में झुलसने से उसकी मौत हो गई। वहीं आग से बच्चे को बचाने में मृतक महिला की सास भी झुलस गई, जिसका इलाज चल रहा है। इटखोरी थाना प्रभारी विनोद कुमार ने कहा कि फरार पति कुलदीप दांगी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं गांव के लोगों ने भी फैसला किया है कि आरोपी को गांव में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये घटना लमसम 11:30 बजे की है। पति के द्वारा जो इसे जला के लड़की को मारा गया है, ये हम लोग को पता चला। हम 2 बजे रात आए यहाँ पे, आ करके सारा चीज जानकारी लिए, प्रशासन भी आए। अभी हम लोग जो इसे इनको पोस्टमार्टम के लिए चतरा भेज दे रहे हैं लाश को। उसके बाद अगर वो लड़का आता है, हम लोग को नज़र आता है, तो सबसे पहले हम लोग प्रशासन के सौंपेंगे। तो मारपीट किया तो हम आए वो दिन में, हम लोग इसको समझाने लगे अंदर में। इसको हम बहुत कुछ डांटे दबाए, कुछ बोला नहीं। हम उसको बोले कि तुमको इतना मार मारेंगे कि तुम्हारा हालत खराब करे, तुम्हारा बहन तुमको मारेगा क्या लगेगा। इतने पर वो लड़का क्या किया कि वहाँ से छुरा एगो था, छुरा लेके हमारा पर भी चला दिया। और ये घटना लमसम 11:30 बजे की है। पति के द्वारा जो इसे जला के लड़की को मारा गया है, ये हम लोग को पता चला। हम 2 बजे रात आए यहाँ पे, आ करके सारा चीज जानकारी लिए, प्रशासन भी आए। अभी हम लोग जो इसे इनको पोस्टमार्टम के लिए चतरा भेज दे रहे हैं लाश को। उसके बाद अगर वो लड़का आता है, हम लोग को नज़र आता है, तो सबसे पहले हम लोग प्रशासन के सौंपेंगे। तो आपको बता दें कि चतरा जिले के इटखोरी से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक कलयुगी पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सुरही बागी गांव के रहने वाले कुलदीप दांगे ने अपनी पत्नी सबिता देवी पर केरोसिन तेल छिड़क कर उसे जिंदा जलाकर मार डाला है। पति ने अपनी मां पर भी हमला किया है, जिसका रिम्स में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। इटखोरी थाना प्रभारी विनोद कुमार ने कहा है कि पति फरार है, उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गांव के लोगों ने भी फैसला किया है कि आरोपी को गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।